श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना करके सरल पूजा विधि मैं बताऊंगी। दोस्तों, अगर आपके घर में बेल वृक्ष का पौधा या पेड़ नहीं है और आप मंदिर पर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आपके आस पास पार्क मिल जाएगा। पार्क में बेल वृक्ष के पौधे भी मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं पार्क में पूजा करने, क्योंकि मुझे यहीं पर बेल वृक्ष का पौधा मिल गया था। तो मैं यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहीं पर मैं पानी ले रही हूँ, क्योंकि मैं घर से पानी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि ये जो पार्क है घर से थोड़ा दूर है तो पानी लाने में थोड़ा दिक्कत हो जाती, तो इसलिए मैं यहीं से पानी ले रही हूँ। जब भी आप पूजन करें तो घर से ही जल लेकर के जाएं तो बहुत ही शुभ रहता है। तो मैं यहाँ पर पहले मिट्टी को गीला कर रही हूँ, उसके बाद ही बनाऊंगी शिवलिंग। भगवान शिव को बेल पत्र परम प्रिय है, यह बात तो सभी को पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव के अंशावतार हनुमान जी को भी बेल पत्र अर्पित करने से प्रसन्न किया जा सकता है और लक्ष्मी का वर पाया जा सकता है। घर की जो धन दौलत में वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, वो भी बढ़ने लग जाती है। अधूरी जो भी आपकी कामनाओं को पूरा कर देता है। सावन का महीना है। शिव पुराण के अनुसार सावन माह के सोमवार को शिवालय में बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। कुछ विशेष दिनों में ही प्राप्त कर सकते हैं साल भर की पूजा का फल। तो दोस्तों, जब आप पूजन का शिवलिंग का निर्माण करें तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर से करते रहे, क्योंकि हम यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ही पूजन करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही सरल विधि है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। और आपको कहीं भी बेल वृक्ष का पौधा पार्क में या आपके आसपास कहीं भी मिल जाए तो आप इसी विधि से आप पूजन कर सकते हैं कम सामग्री में। दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तो थोड़ा सामान आप अपने साथ रख लें, उसके बाद ही पूजन करने शुरू करें, बैठ जाएं पूजा करने के लिए। इस तरह से हमें करना है। दोस्तों, बेल पत्र का पूजन पाप व दरिद्रता का अंत कर वैभवशाली बनाने वाला माना गया है। अगर घर में बेलपत्र लगाने से देवी माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है। देखिए, मैंने यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लिया है, जलहरी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, मैंने यहाँ पत्तों से शिव जी की आंखें बना दी है, मुंह फेस बना दिया है अच्छे से, और उसके बाद हम करेंगे जल से अभिषेक। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए जल से अभिषेक करेंगे। दोस्तों, गंगा जल जरूर से मिला लें जल में। तो इस तरह से गाय का मैं कच्चा दूध साथ लेकर आई थी, तो मैं यहाँ गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ। आप चाहे तो पंचामृत बना करके भी ला करके अभिषेक करा सकते हैं। बेल जो पत्र है भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। बेल पत्र चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेल पेड़ जो पेड़ है इसके नीचे जो पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा है बेल वृक्ष की जड़ में ही कर रहे हैं, बहुत ही शुभ है। तो ओम नमः शिवाय करते हुए शुद्धोदक स्नान करा देंगे। बेल वृक्ष की जड़ में महादेव का वास होता है, इसलिए इस पेड़ की जड़ में महादेव की पूजा की जाती है। इतना नहीं, कहते हैं बेलपत्र वृक्ष को सींचने से सभी तीर्थों का फल भी मिल जाता है। बेलपत्र को हमेशा नहीं तोड़ा जा सकता है। तो अगर आप इस पूजन को कर रहे हैं तो आप 1-2 दिन पहले ही बेलपत्र को तोड़ लें, और उसके बाद हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, मैं यहाँ सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करूँगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम बेल वृक्ष का भी पूजन साथ में ही करते चलेंगे। तो पहले मैं शिव जी का अभिषेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ चंदन से तिलक लगा रही हूँ, और उसके बाद काले तिल, अक्षत, भस्म, जो भी आप चीज़ें लेकर आए हो, बेसिक सी चीज़ें, वो आप सभी अर्पित कर दें। बेलपत्र जरूर से चढ़ाएं,
क्योंकि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। शिव उपासना के दिन प्रमुख दिन सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, और इसके साथ कुछ दिन और भी होते हैं जो नहीं तोड़ने चाहिए। मैं यहाँ कनेर के पुष्प और यहाँ पर अर्पित कर रही हूँ। अगर आप भांग धतूरा ये सब लेकर आए हैं तो वो भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो बस जल चढ़ा दें, क्योंकि अभिषेक भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। अब हम चलते हैं, इसी के साथ ही हम बेल वृक्ष का भी पूजन करेंगे। पहले जल से सींच लेंगे अच्छी प्रकार से, आप चाहें तो जल की धारा लगाते हुए फेरी भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ सिर्फ जल ही चढ़ा रही हूँ। तो चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। किसी माह में अगर संक्रांति के दिन भी बेलपत्र तोड़ना उचित नहीं होता है तो शिव जी की पूजा में इन तिथियों का विशेष महत्व होता है, इसका ध्यान जरूर से रखें। दोस्तों, बेल वृक्ष देखो कितना हरा भरा है, और मैं यहाँ पार्क में ही पूजन कर रही हूँ क्योंकि शिवालय जो था घर से बहुत दूर था, नहीं जा पाई, तो पार्क में ही बेल वृक्ष मिल गया मुझे, तो मैं यहीं पर ही पूजन कर रही हूँ क्योंकि सावन का महीना है बेल वृक्ष की पूजन में, तो मैं यहाँ बेल वृक्ष की 7 परिक्रमा कर रही हूँ। तो मैं यहाँ कलावा लगा करके परिक्रमा कर रही हूँ, तो आप कर सकते हैं इस प्रकार से। और दोस्तों, बेल वृक्ष या बेल का पेड़ हमारे लिए एक उपयोगी वनस्पति भी है जो हमारे कष्टों को दूर करता है। भगवान शिव को बेल वृक्ष की पत्तियां चढ़ाने का अर्थ है यह होता है कि जीवन में हम सभी लोगों को संकट में उनके काम आए, दूसरों के दुख के समय काम आने वाला व्यक्ति या वस्तु भगवान शिव को अति प्रिय होता है। तो इस प्रकार से हम कनेर के फूल अर्पित कर देंगे। आपके पास जो भी पुष्प हो मिल पाए आप वो सभी अर्पित कर सकते हैं। आप भांग धतूरा सफ़ेद आग के पत्ते सब भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर ना मिल पाए तो आप सिंपल साधारण सी पूजा करके आप अपना सोमवार के सावन के प्रतिदिन की जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। अक्षत अर्पित कर देंगे, अक्षत यानी आपके जो चावल हैं साबुत ही होने चाहिए, और जो बेलपत्र है वो औषधि का भी गुण कर औषधि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हम खड़ी बाती का प्रयोग कर रहे हैं कलावा लगा करके, आप चाहे तो रुई की बाती का भी लगा करके पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बेलपत्र और समी पत्र भगवान शिव को अति प्रसन्न प्रिय होते हैं और उन्हें चढ़ा करके प्रसन्न किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर धूप जो हवा थी ना बहुत तेज चल रही थी, जो भी मैं वस्तु चढ़ाती थी वो ना हवा में उड़ जाती थी, तो इसका ध्यान रखें आप। मैं यहाँ भोग अशोक के पत्ते पर लगा रही हूँ गुड़ और चीनी का, आप दोनों में से कोई भी चीज लगा सकते हैं भोग में, और बेल वृक्ष को भी यहीं पर भोग लगा देंगे इसी पत्ते पर। दोस्तों, 79,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मा से पूछी, तो ब्रह्मा ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक बेलपत्र चढ़ाने से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम फल भी चढ़ाते हैं तो इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। दक्षिणा जरूर से अर्पित करें और आचमनी जरूर से करें। मैंने जल का लोटा भी भोग लगा दिया है। आचमनी करने से हमारा जो भोग प्रसाद है भगवान शीघ्र ही स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, बेलपत्र का जो महत्व है वो बताती है कथा के अनुसार, एक भील डाकू परिवार का पालन पोषण करने के लिए लूटपाट करता था, और इस तरह से माता पार्वती ने एक दिन पूरा बीत जाने के बाद शिकार ना मिलने से डाकू काफी परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुप कर बैठा था वह बेल का पेड़ था, और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोड़कर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव की कृपा पाने पर डाकू को पता चला कि जहां बेलपत्र फेंका था उसके नीचे शिवलिंग थे, तो इस प्रकार से उसे मनोवांछित फलों की प्राप्ति हुई। दोस्तों, जब हमारा दीपक शांत हो जाता है तो जल का लोटा मैंने भोग लगाया था वो सूर्य देव को अर्घ दे दिया, क्योंकि ये मैं पूजा सुबह के समय कर रही थी, और सूर्य देव की 7 परिक्रमा इस प्रकार से हम लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये थी बिल्कुल ही साधारण सी बेल वृक्ष के नीचे पूजन विधि। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से करें।